नमस्कार, मैं महावास्तु इंट्यूटिव आचार्य रश्मि धारीवाल काठमांडू नेपाल से। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वैदिक मिस्ट्री। आज का टॉपिक है ड्रेसिंग टेबल। काफी सारे मिथ्स बने हैं कि बेडरूम के आगे अगर ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर लगा है उससे हमें पेन होती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, जो कि मिथ्स है। ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर है वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट, वो एक वाटर एलिमेंट है। महावास्तु का तीन प्रस्पेक्टिव रेस्पेक्टिव जोन है जहां पर आप मिरर लगा सकते हैं। वाटर के जोन में तो आप लगा सकते हैं, स्पेस और एयर के जोन में भी आप लगा सकते हैं, पर ये जोन बैलेंस होना चाहिए। अगर यहाँ कोई कट है या साफ्ट है तो आप मिरर एक्सटेंशन भी करवा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा मिथ्स क्या है कि बॉडी में पेन? बिल्कुल भी नहीं। साउथ ईस्ट में अगर मिरर है, अग्नि तत्व में अगर जल तत्व का प्रेजेंस होगा तो क्या होगा? तो अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि बुझने से क्या क्या होगा? शरीर में प्रॉब्लम आएगी, एक्सीडेंट होगी, अस्वस्थ रहेंगे। और साउथ साउथ ईस्ट में अगर मिरर होगा तो क्या होगा? पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन है। यहाँ मिरर आने से आपके हेल्थ में भी प्रॉब्लम आएगा। साउथ ये हमारे रिलैक्सेशन का जोन है, यहाँ मिरर आने से क्या होगा? आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी। साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल का जोन है, एक्सपेंडिचर का जोन है। यहाँ मिरर होने से क्या होगा? आपकी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगी, दिन प्रतिदिन खर्चे बढ़ जाएंगे। और साउथ वेस्ट जो कि मास्टर जोन है रिलेशनशिप का, यहाँ पर मिरर होने से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, अपने सास ससुर के साथ लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, अपने बच्चों के साथ भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये सब जोन में आप मिरर ना लगाएं, जो रेस्पेक्टिव जोन है वहां पर लगाएं। नजदीकी आचार्य से संपर्क करके मिरर के बारे में और जानकारी ले। तो ये मिथ्स आपको पता चल गया। ड्रेसिंग टेबल आप अग्नि जोन में और अर्थ के जोन में ना लगाएं। आप जल तत्व के जोन में लगा सकते हैं, स्पेस के जोन में लगा सकते हैं और एयर के जोन में। इतने धैर्य से मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।